डिंडौरी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गाड़ासराई पुलिस थाना इलाके के सागर टोला चौराहे पर पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग की जा रही है। शराबी वाहन चालकों और नाबालिग वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए अन्य वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक कर समझाइश भी दी जा रही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ से गांजा तस्कर और पशु तस्करी करते कई बार वाहन चेकिंग के दौरान तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। एक सुरक्षा की दृष्टि से और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई और वाहनों की सघन चेकिंग लगातार की जा रही है। टीकमगढ़ जिले के पलेरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम नाथ गोरा में पोलियो की दवा पिलाने से 9 माह के बालक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन उसको पलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गए, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता नर्स ANM पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जब बच्चा आया वहाँ पर तो बच्चा खेलने लगा और दवाई पिलाई हुई। किसने पिलाई दवा? क्या पोलियो की दवा? कितने बजे के टाइम? 3 बजे। पिलाने के बाद क्या हुआ? पिलाने के बाद बच्चा बेहोश हो गया। फिर उसके बाद आप उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने ये कहा कि बच्चे को अस्पताल ले जाओ। यहाँ पे लाए? क्या हुआ? यहाँ पर लाए डॉक्टर साहब बोले। और बताया कि पलेरा अंतर्गत ग्राम दांत गोरा में गांव-गांव जाकर पोलियो की दवा पिलाई जा रही थी। दवाई पीने के बाद बच्चा बेहोश हुआ तो उसको परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलेरा लाए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। टीकाकरण के दौरान बताया गया है कि बच्चे को सांस रुकने लगी और उसकी यहां मेरे पास आएगा तब तक मृत था। पुलवामा में शहीद हुए जवानों के प्रति सिवनी जिले में भी आक्रोश देखा जा रहा है। सिवनी जिले के लखनादौन विकासखंड में भी कई जगह प्रदर्शन किए गए, साथ ही पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए गए। आतंकवाद की क्रूरता के फलस्वरूप युवाओं ने पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन किया, साथ ही शहीद जवानों की अमरता के नारे भी लगाए। करणी सेना द्वारा कैंडल मार्च निकालकर आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भारत सरकार से की गई। सभी युवाओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की शहीदों को और सरकार को सीधा मैसेज देना चाहते हैं कि अब श्रद्धांजलि और मोमबत्ती से काम नहीं बनेगा। जल्द से जल्द सरकार एक्शन ले, 370 धारा हटाए। जल्द से जल्द हमें एक्शन चाहिए, अब बदला चाहिए। कैंडल मार्च सहारा कार्यालय से शुरू होकर पूरे छपारा नगर में भ्रमण करते हुए बस स्टैंड पहुंची, जहां इस दौरान वीर शहीद अमर रहे नमन नहीं दफन चाहिए के नारों से छपारा नगर गूंज उठा। सभी ने एक सुर में पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। सहारा बैंक द्वारा निकाले गए कैंडल मार्च में नगर के सभी युवा शामिल होते गए। युवाओं ने कहा कि आतंकियों के इस कायरतापूर्ण और बर्बर कृत्य की भर्त्सना करते हुए उपस्थित समुदाय से अपने अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने और देश हित में सही मार्ग चुनने का आह्वान किया। तिरोड़ी नगर में डॉक्टरों के न होने से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए मानव एकता संस्था द्वारा शासकीय अस्पताल से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के लोगों ने इसमें शामिल होकर अपना समर्थन किया। यहां रैली नगर का भ्रमण कर शासकीय अस्पताल पहुंची, जहां पर अस्थायी रूप से पदस्थ डॉक्टर ने बताया कि तिरोड़ी शासकीय अस्पताल में स्थायी रूप से किसी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। वहीं मानव एकता संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि अगर जल्द ही तिरोड़ी शासकीय अस्पताल में डॉक्टर की स्थायी तौर पर नियुक्ति नहीं की गई तो एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांगों के बाद भी यहाँ डॉक्टर और स्टाफ नहीं आता। अभी जो होने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हम सभी ग्रामवासी और सभी लोग इस वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। हम नहीं चाहते एक भी व्यक्ति इस गांव से वोट डालने नहीं जाएगा। हम शासन से मांग करते हैं कि ये किसी की जान मान की बात है। कई गरीब यहाँ आते हैं जिन्हें जरूरत में सुविधाएं नहीं मिलती, उसके बाद हमें कटंगी रेफर करना पड़ता है और कई से केस तो ऐसे हुए कि आधे बीच में जाते जाते उनकी जान गई। मानव एकता संस्था के द्वारा गांव के हर पहलू के ऊपर काम किया जा रहा है। जैसे हम लोग गांव से लोगों के पुराने कपड़े इकट्ठा करके उन गरीबों तक पहुंचाते हैं। वो कपड़ा जो गरीब फटे कपड़े में पूरी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, उन्हें हम वो कपड़े प्रदान करते हैं और उसके बाद उन्हें खाना खिलाते हैं। उसके बाद मानव एकता संस्था का कमिटमेंट है पूरे गाँव से कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनका परिवार साथ नहीं होगा, लेकिन मानव एकता संस्था हर पल उनके साथ में है। अभी डॉक्टर को लेकर के आपने क्या आंदोलन छेड़ा है?
डॉक्टर को लेके हमने अभी आंदोलन ये छेड़ा है कि 4 साल हो गए हमारे रिटोरी में डॉक्टर स्थायी नहीं रूप से नहीं है, हॉस्पिटल में नर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, जिसके तहत ऐसी कई जाने गई है जिसे एक्सीडेंट केस हमने उठा के ले गए, वहाँ डॉक्टर नहीं होने के कारण उनकी जान गई। आज की तारीख में सभी लोगों ने प्रलोभन दिया, हर नेता आया बोले कि आज नहीं कल डॉक्टर आ जाएगा, लेकिन आज तक डॉक्टर नहीं है, वहाँ स्टाफ नहीं है और इतनी गंदी हालत है सरकारी अस्पताल की जहाँ रहना मुश्किल है लोगों का। सरकारी अस्पताल के लोगों का कहना है कि वहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। हमारी मांग है अगर अभी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर स्टाफ और एक अच्छा सिस्टम नहीं आता तो हम उस सरकारी अस्पताल को गरीबों के रहने का निवास बनाया जाए। सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं या जल्द से जल्द सरकारी अस्पताल में ऐसा सुविधा प्रदान करें जिससे हर लोग, हर गरीब व्यक्ति वहाँ जाके अपना उपचार कर सके। अब आगे क्या रूपरेखा है आपकी? आगे की रूपरेखा है अगर अभी निर्णय नहीं होता तो 2 से 3 दिन के बाद हम लोग पूरा गांव बंद करके एक बड़ा विशाल रैली निकालेंगे जिसमें 2 से 3 हज़ार लोग रहेंगे और सभी लोग ने कहा है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा हम उसका बहिष्कार करने वाले हैं, कोई भी व्यक्ति तिरोड़ी का वोटिंग बूथ में नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में गरीब वर्ग की बालिकाओं का विवाह लगातार हो रहा है। समय समय पर क्षेत्रीय नेताओं द्वारा इस योजना के तहत विवाह संपन्न कराए जाते हैं। इस कड़ी में इंदौर में 201 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। यह निशुल्क विवाह कर्मा सेवा संस्थान की देखरेख में आयोजित किया गया। इस संस्थान के अध्यक्ष सुरेश साहू ने बताया कि वह हर वर्ष मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत निशुल्क कन्या विवाह कराते हैं। यह संस्था का 14 वर्ष है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की कन्याओं का भी इस सम्मेलन में विवाह हुआ है। 14 वर्ष के दौरान इस संस्था के द्वारा कई गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न किया गया। बरगी में मंगलवार को सुबह एक आपराधिक प्रवृत्ति के युवक ने बीच बाजार एक युवक को चाकू मार दिया जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। चाकू मारने के बाद युवक मौके से फरार है। बरगी के खरक मोहल्ला में सुबह 10 बजे के लगभग योगेश चौधरी नामक युवक ने वहीद नामक युवक पर जानलेवा हमला करते हुए चाकू से बार बार प्राण घातक हमला कर दिए जिससे बीच बाजार भगदड़ की स्थिति बन गई। घायल युवक को जांघ पर चाकू से गंभीर चोट आई है जिसे पुलिस द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल जबलपुर कॉलेज रिफर किया गया है।